Assalamu alaikum everyone, this is me Hadil Sahal al-Baluchi. I hope so you guys are doing good. I'm perfectly fine, and right after so long I'm back with a very good topic. Like aaj ki request hai ki ma'am aap baat kare about life goals, ki life mein goals jo hain wo kis tarah se set karne chahiye. So isse pehle ki main homework ki taraf jaun, maine bahut sara study kiya hai, research kiya hai, aur uske baad aap logon ke liye kuch bullet points banaye hue hain. So let me show you that what are the important things which are for life goals. ठीक है, now the first thing is this कि you need to be very honest with yourself. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो पहली चीज़ है वो ये है honesty with your own self. अगर आप अपने आप के साथ honest नहीं हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि जिंदगी में इंसान आगे बढ़े. Then the next is this that you have to be very much dedicated. हम गोल्स तो बना लेते हैं, हम कहते हैं कि जी 5 साल बाद मैं इधर हूँगी, या 5 साल बाद मैं उधर हूँगा, या 10 साल बाद मैं इधर हूँगा या उधर हूँगा, बट हम डेडिकेटेड नहीं होते, साबित कदम नहीं होते. आज दिल किया तो फोटोग्राफी कर ली, कल दिल किया तो ब्लॉगर बन गए, परसों दिल किया तो शेफ बन गए, तरसों दिल किया तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई कोऑर्डिनेटर बन गए या असिस्टेंट बन गए, या बस ऐसे ही ऑन एंड ऑफ, जब दिल चाहा काम किया, जब दिल चाहा काम नहीं किया. तो इस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो कल्चर ऑनलाइन की ही बात करते हैं. कल्चर ऑनलाइन वॉज अ ओनली थीसिस प्रोजेक्ट. अगर मैं उस वक्त इतनी रिसर्च की, पूरा 1 साल रिसर्च किया, फिर 1 साल इंटरनल रखा, इंटरनल ने पूरा थीसिस को एग्जामिन किया, फिर यू नो एड्स बनाने पड़े, कैंपेन्स बनाने पड़े, छोटे से TVCs बनाने पड़े, सब कुछ करना पड़ा. लेकिन अगर उस वक्त मैं कह देती यार ये तो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है और इसको मैं आगे नहीं ले जा सकती और CEO कभी आगे नहीं जाएगा, तो वो मेरा ड्रॉबैक होता. लेकिन आई स्टे डेडिकेटेड एंड आई लिसन टू माई मेंटर्स, और मैंने कहा कि यस इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं CEO को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ. और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आफ्टर 2-3 ईयर्स नाउ कल्चर ऑनलाइन इज अ रिकग्नाइज्ड ब्रांड इंटरनेशनली एंड नेशनली. आफ्टर दैट डेडिकेशन के बाद कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप कमिटमेंट करते हो तो उस पर फिर आप पूरा उतरो, चाहे वो प्रोफेशनली है कि या वो पर्सनली है. यूजुअली हम अपने गोल्स को इसलिए अचीव नहीं कर पाते कि हमने बॉस के साथ एक कमिटमेंट कर दी या हमने किसी क्लाइंट के साथ कोई कमिटमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद हम लेट पहुँच रहे हैं, दुनिया जहाँ के हमारे एक्सक्यूजेज हो रहे हैं कि आज तो गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई, बाइक ख़राब हो गया, किसी की शादी में जाना पड़ा. और हमारे पाकिस्तान में स्पेशली लोगों की दादियाँ 10 दफ़ा मरती हैं, नानाएँ 10 दफ़ा मरते हैं, तो रोज़ इस तरह के एक्सक्यूजेस जो हैं वो हम लोग दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को फोकस नहीं कर पाते. प्लस जो फैमिली इश्यूज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यंग जेनरेशन के ऊपर फैमिली का. एक सोसाइटल प्रेशर अलग होता है, कल्चरल प्रेशर अलग होता है, फैमिली प्रेशर अलग होता है. बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं या मॉडल बनना चाहते हैं या फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे डेडलाइंस बड़ी डिफरेंट है, होता ये कि एक फोटोग्राफर के जाने का वक्त है तो आने का वक्त नहीं है, एक्टर का जाने का वक्त है तो आने का वक्त नहीं है. अभी मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने फिक्स किया टाइम कि हम स्टार्ट करेंगे 12 बजे, और आई थिंक इस वक्त हो रहे हैं 12:55. तो देखें टाइमिंग्स जो होती हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, और इस वक्त जब अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो फिर ये हो जाता है कि हम अपने गोल से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम अपने गोल से पीछे हटते हैं कि कौन करे कौन पढ़े, छोड़ो यार घर वाले करने ही नहीं दे रहे. तो आई रियली रिक्वेस्ट टू अम्माज एंड अब्बाज एंड द सिबलिंग्स दैट प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें. अगर उनकी लेट नाइट शूट है तो उन्हें जाने दें. लाइक एक डॉक्टर है वो नाइट ड्यूटी कर सकता है, तो एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर या एक्टर या फिल्म में काम करने वाले लड़के लड़कियां या प्रोडक्शन में डायरेक्शन में वो क्यों रात को बाहर रह के काम नहीं कर सकते. हमें इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि यू नो फिल्म TV फोटोग्राफी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग भी एक फील्ड है, उसकी भी अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं. अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं. मेकअप प्लान होता ये है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं,
हम ये भी कह देते हैं कि 5 साल मैंने इधर होना है, 10 साल में मैंने इधर होना है, बट हमारा कोई प्लान नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज जब हमने ये शूट पूरा आप लोगों के लिए अरेंज किया, तो मैंने 2 दिन पहले अदील को मैसेज किया कि अदील मैं आ रही हूँ क्वेटा से, तो हम संडे को इतने बजे इस वेन्यू पे इतनी देर की शूट करेंगे। फिर इसी तरह से मैंने मेकअप आर्टिस्ट को इन्फॉर्म किया कि भाई साहब आप भी फ्री हो जाओ, हमें संडे को शूट करना है। इसी तरह से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर को भी बता दिया कि भाई तैयारी पकड़ो, थंबनेल्स बनाने हैं। तो यू नो आपको पूरी टीम को रेडी करना होता है, एक पूरी प्लानिंग होती है। लाइक सामने तो मैं आपको दिख रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इस एक वीडियो को बनाने में आप हमारी मदद करते हैं, और आप तो एक कंप्लीट पैकेज देख रहे होते हो, लेकिन एट द बैक ऑफ द कैमरा देयर आर सो मेनी पीपल। ठीक है, नाउ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अपने फ़ोन में लिखे थे, जो कंक्लूजन है उनको मैं आपको बताती चलूँ जल्दी जल्दी से, कि 10 गोल्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए कि जिनको आपने 10 साल में कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड सबसे पहला जो होता है पाकिस्तानी मुल्क में, हमारी जैसी कंट्री में, वो ये होता है कि लोग मैरिज और फैमिली हार्मनी को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, कि जी हमारे पाकिस्तान में फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली का एक जो प्रेशर होता है वो बहुत होता है। तो सबसे पहले जो लड़का लड़की बड़े होते हैं, तो उनके गोल्स, पहला गोल यही होता है लड़की की शादी इधर करानी है, लड़की की इधर करानी है। तो ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है, इस पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट व्हाट वी हैव टू फॉलो। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि जब आप जवान हो जाएँ और जब आप जो है इतने सेंसिबल हो जाएँ कि यू नो अब आपने अपनी फैमिली हार्मनी को कैसे मेंटेन करना है, आपने अपनी शादी कैसे मेंटेन करनी है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ के प्रॉपर माइंडसेट एंड बैलेंस। ठीक है, आपने बहुत ही अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रिलैक्स रखना है, ताकि आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ बैलेंस हो। ये ना हो कि अदील जो पीछे खड़ा है वो पूरी रात पार्टी करे और अगले दिन टाइम पे ऑफिस पहुँचे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ कमिटमेंट टू इम्प्रूव फिज़िकल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी नींद पूरी करें, टाइमली सोएं, अपना मंथली या एटलीस्ट 6 मंथ में हम एक दफ़ा जाके अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, फॉलोअप करें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो गोल्स को अचीव करना आसान है, लेकिन अगर हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर गोल्स को अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। द 4 दैट यू शुड हैव द करियर पैशन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। For example, Hadil decided to be an anchor person. Now Hadil should be completely focused कि जी उसने हर हाल में एक successful anchor बनना है और उसने फोकस्ड रहना है और उसने अपने आप से सेटिस्फाई होना है कि जी जो मैंने ये गोल चूज़ किया है या जो फील्ड चूज़ की है आई विल फुलफिल इट। नेक्स्ट डिवेलपमेंट एम्पथी एंड जेंटलनेस, अपने अंदर थोड़ा काइंडनेस लाएँ, इतने ज़्यादा दज्जाल बनने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गोल्स को अचीव करने के लिए। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी की भी, हमेशा कोई लैंडलॉर्ड का बच्चा नहीं होता या माँ के पेट से जो है ना वो अमीर नहीं होता। हर इंसान को मेहनत करनी होती है। अगर आप पैदा गरीब हुए हैं तो आपको मरना अमीर चाहिए, अगर आप मरे भी गरीब ना तो इसका पूरा कसूरवार आप खुद हो, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, आपने फोकस नहीं किया। 7 services and social responsibility, 8 stress busting and stress management, 9 education which is very important, and 10 expanding and growing faith। सो ये 10 गोल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत फोकस हो के अचीव करने हैं। अगर आपने इन 10 गोल्स पे आज से काम करना शुरू कर लिया तो अगले 5 साल में या 10 साल में आप उस लेवल पे होंगे जहाँ पे आप चाहते हो। सो फॉर दैट यू नीड टू बी डेडिकेटेड, वेरी मच फोकस्ड एंड बी पैशनेटेड एंड बी काइंड। छोटे छोटे स्टेप लें, एकदम से स्टार बनने का ना सोचें, स्टार भी 0 लेवल से बनता है। सो ट्राई टू मेक स्मॉल गोल्स टू अचीव योर बिग गोल्स। सो अगर आपने इन 10 गोल्स पे फोकस किया तो आई प्रॉमिस यू दैट आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल जाने वाली है, बट यू डोंट नीड टू लूज होप। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू योर सेल्फ। ये जो शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं ना, ये शॉर्टकट यूज़ करना हमें बंद करना चाहिए, बिकॉज जो शॉर्टकट का एंड होता है ना वो लिटरली दी एंड होता है, कमेंस नहीं होता। सो
ट्राई टू फॉलो दीज 10 रूल्स एंड इंशाल्लाह आप लोग मुझे आज के बाद लाइक 5 साल बाद या 10 साल बाद ज़रूर दुआएं देंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग आर यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड कल्चर ऑनलाइन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.